इमाम के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले चंद सवाल। ये बताओ, ये जो ट्रक है, दुनिया में रियल ट्रक्स भी होती है, ये तो टॉय ट्रक है। हाँ। ये जो ट्रक है इसके अंदर ड्राइवर, बैटरी लगी हुई है। इसके अंदर ड्राइवर कितने होते हैं? बहुत सारे, एक होता है। बताओ ड्राइवर कितने होते हैं? चार। अच्छा बताओ, ये तो टॉय ट्रक है, लेकिन टॉय ट्रक में भी मैं ये खींच रहा हूं, हाँ? तो अगर मैं यहां से खींचूं और आप वहां से खींचो, ये खींचो, खींचो उधर, खींचो उधर, मैं यहां खींच रहा हूं, तो क्या होगा? कहीं पे भी जा सकती है? कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। अगर आप लोग भी यहाँ पे आगे खींचने लगो तो ये ट्रक कहीं जाएगी? नहीं जाएगी। एक ड्राइवर है जो चाहता है कि गाड़ी सामने से आ रही है, राइट ले लो, राइट राइट लेके बचा लो, और दूसरा ड्राइवर बोलता है नहीं, लेफ्ट लो, लेफ्ट। और गाड़ी के अंदर अगर दो ड्राइवर्स हैं और सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है और ये कह रहे हैं कि मैं राइट लूंगा और ये कह रहा है कि लेफ्ट लूंगा, दो ड्राइवर्स, फिर क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, सही है ना? हाँ। गाड़ी में कितने ड्राइवर हो सकते हैं? एक। अगर दो ड्राइवर्स होंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम, कंफ्यूजन। याद रखेंगे ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ? चलिए एक और मिसाल मान लो, ये भी शार्पनर्स आप लोगों के लिए गिफ्ट है, हाँ? लेकिन गिफ्ट के बाद एक एक्टिविटी करनी है। चलो एक काम करो, आपके खुद के शार्पनर यहाँ पे रखो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखो। ये एक आ गए आपका, है ना? ये लगाओ, इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर रखो। ओके वेरी गुड, इसके ऊपर एक और आपका, टॉप पे गिराना नहीं। ओ इतना दूर हो गया, क्या करो ना, कभी भी कुछ हो जाए ना तो अल्लाह की मर्जी। इसमें ये शिट वगैरह ये बोलते हैं, नहीं रॉन्ग है ये, हाँ अच्छे वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स बोलना चाहिए। ठीक है, ये बिल्डिंग किसने बनाई? ये शार्पनर्स की बिल्डिंग किसने बनाई? चारों ने मिलकर बनाई। ठीक है, अब अगर आप चार खुश हैं और ये बिल्डिंग खड़ी है, फिर आप चारों को आपस में अगर झगड़ा हो गया, मूड खराब हो गया, तो आप क्या करोगे? शार्पनर वापस ले लूंगे अपना। हाँ, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, बिल्डिंग का खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग हर कोई अपना अपना शार्पनर लेके अलग हो जाएगा। ओके, ये बात भी याद रखो। हाँ, ये बात भी, वो आपका है, वो कौन सा वाला? ये करो करो, देखो कितना कंफ्यूजन। अब यहाँ ये देखते हैं, जैसे गाड़ी में एक ड्राइवर हो सकता है, दो ड्राइवर है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। मुझे बताओ, एक गाड़ी के अंदर अगर दो ड्राइवर हो जाए, एक टॉय गाड़ी में भी दो लोग खेलने लगे एक साथ में, प्रॉब्लम हो जाएगा? अगर ये दुनिया में, आसमान में, जमीन में एक अल्लाह के अलावा और माबूद होते, और गॉड्स होते, इस दुनिया में अगर बहुत सारे गॉड्स होते, एक अल्लाह के अलावा और माबूद गॉड्स होते, क्या होता? छोटी सी कार में इतना प्रॉब्लम हो जाएगा तो इतनी बड़ी दुनिया में कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते, फसाद हो जाता। सूरह अल-अंबिया सूरह 21 आयत नंबर 22। और जैसे आप लोगों ने शार्पनर से ये बिल्डिंग बनाई, जब खुश थे तो बिल्डिंग बना ली, हाँ, लेकिन जब नाराज हुए और आपस में अगर किसी की फाइट हो गई तो हर कोई कहे कि मेरा शार्पनर वापस दो, हाँ, तो क्या होगा? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, सब लोगों का आपस में अगर झगड़ा होता, हर कोई अपनी बनाई हुई चीज लेकर अलग हो जाता। कोई बोलता कि मैंने चांद बनाया, वो लेके गए, मैंने जमीन बनाई, मैंने पेड़ों को बनाया, मैंने ये बनाया, सब चीज अलग हो जाती, सबके आपस में झगड़े हो जाते और हम लोगों का क्या हो जाता? हम लोग मर जाएंगे, हम लोगों का तो क्या हाल होता? तो सही बात क्या है, कि क्या है सही बात? एक अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में कुछ नहीं है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आसमान और जमीन में एक अल्लाह का कंट्रोल है, वही है बनाने वाला, वही है सब चलाने वाला, सबको चलाने वाला, वही है जिंदगी देने वाला, वही है जिंदगी देने वाला।
वही है बीमारी देने वाला, वही है ठीक करने वाला, शिफा देने वाला। शिफा देने वाला, शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। डॉक्टर है? नहीं। डॉक्टर जरिया है, शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह देना चाहे शिफा, बगैर डॉक्टर के भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह शिफा नहीं देना चाहे तो कितने भी डॉक्टर्स हैं और कितनी भी दवाएं हैं नहीं ठीक होंगे। कितने लोग है ना बहुत दवा लेते हैं फिर भी ठीक नहीं होते हैं, और कितने लोग बगैर दवा के भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, दवा लेना चाहिए क्योंकि ये शरीयत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। लेकिन शिफा किसके हाथ में? अल्लाह। कौन ठीक करता है? अल्लाह ताला ठीक करते हैं हमें। तो सब चीज किसके हाथ में है? अल्लाह। अल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा और माबूद होते तो क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता, सब चलता प्रॉब्लम और झगड़ा और प्रॉब्लम हो जाता, हर कोई अपनी बनाई हुई चीज लेकर अलग हो जाता और कोई किसी और को हराने की कोशिश करता। हाँ, तो हम देखते हैं एक अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, ये बात याद रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।